दोस्तों आधार पैन लिंक करने का जो टाइम है, जो डेडलाइन है, वो करीब आता जा रहा है। वैसे में बहुत सारा लोगों का अभी तक आधार पैन लिंक नहीं हुआ है। आधार पैन लिंक फेल होने का मेन रीजन ये है, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जैसे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दिए थे, उनमें डिफरेंसेस है, उनकी डेटा में डिफरेंस है, जो कि उनके डेट ऑफ बर्थ में या फिर नाम में या फिर जेंडर में जब डिफरेंस रहेगा तभी उनका आधार और पैन लिंक नहीं हो पा रहा है। वैसे में बहुत सारे लोगों ने उनका आधार या पैन में करेक्शन कराया, करेक्शन करने के बाद भी जब लिंक करने की कोशिश कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा, तो उनको बार बार यही मैसेज दिखा रहा था कि योर आधार पैन लिंक हैज बीन नॉट डन ड्यू टू डीओबी मिसमैच या फिर नेम मिसमैच, ये सब हो रहा था। जो कि उन्होंने करेक्शन कराया अपने पैन या आधार में, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी बीच इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आया, अगर आपको बार बार रिजेक्शन आ रहा है, जो कि नेम मिसमैच या फिर डीओबी मिसमैच की वजह से बार बार रिजेक्शन आ रहा है या फिर आपका आधार पैन लिंकिंग फेल हो रहा है, तो उस समय आप बायोमेट्रिक सेंटर जाके ही आप अपडेट करना होगा। दोस्तों मेरे साइड स्क्रीन पर दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इनकम टैक्स की तरफ से क्या ट्वीट आया और कब आया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, काइंड अटेंशन पैन होल्डर्स, व्हाइल लिंकिंग पैन विद आधार डेमोग्राफिक मिसमैच में ओकर ड्यू टू मिसमैच इन नेम डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, टू फर्दर फैसिलिटेट स्मूथ लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार इन केस ऑफ एनी डेमोग्राफिक मिसमैच, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एंड कैन बी अवेल्ड ऑफ एट डेडिकेटेड सेंटर्स ऑफ पैन सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो इसका मतलब है अगर बार बार आपको नेम डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर की वजह से मिसमैच आ रहा है तो आपको नियरेस्ट पैन सेंटर जाना होगा, वहां से आप बायोमेट्रिक बेस्ड आधार पैन लिंक कर सकते हैं। तो नियरेस्ट पैन सेंटर कहाँ पे है और उस जगह पे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार पैन लिंकिंग होगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक नोट दिया है, फॉर डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफ प्रोटीन यूटीआईटीएस में भी विजिटेड। तो इसका मतलब ये सेंटर्स का लोकेशन आपको प्रोटीन या फिर यूटीआईटीएस वेबसाइट में मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम पर। जैसे गूगल क्रोम ओपन करेंगे आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोटीन, जो कि PROTEAN, प्रोटीन टाइप करके यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये सेकंड वाला जो साइट पर है जो कि लिखा है प्रोटीन टिन पैन, वहां पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे होम पेज पर फर्स्ट ये मैसेज पॉपअप होगा जो कि इसमें लिखा है प्रोटीन फॉर्मली NSDL ई गवर्नमेंट इज नाउ ऑन व्हाट्सएप, जो पहले जो NSDL का वेबसाइट था अभी वो प्रोटीन के नाम से चल रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उनको व्हाट्सएप करके भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो कि यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जाएंगे, वहां से आप उनका सर्विस ले सकते हैं। जस्ट इन केस अगर वहां से व्हाट्सएप नहीं ओपन होता तो क्या करना होगा मैं आगे बताता हूँ। अगर व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करते और एक पॉपअप मैसेज आएगा, वहां पर भी आप कंटिन्यू करते जाइए और एक मैसेज आएगा, फिर भी कंटिन्यू कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज लिखा है व्हाट्सएप कनेक्ट विद अस ऑन 8096080080 जस्ट से हाई टू स्टार्ट द जर्नी विद प्रोटीन। दोस्तों ये नंबर और वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं या फिर यहीं से नोट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर व्हाट्सएप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को पहले सेव करता हूँ अपने मोबाइल पर, फिर व्हाट्सएप पर जाता हूँ और वहां से उनको हाई मैसेज भेजता हूँ। जैसे आप उनको हाई मैसेज भेजेंगे तो उनका तरफ से एक रिप्लाई आएगा, वेलकम टू प्रोटीन पैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाय लास्ट में पढ़िए दोस्तों, बाय सेलेक्टिंग ऑप्शन यस यू एग्री टू रिसीव प्रमोशनल ईमेल एसएमएस और समथिंग, तो आप उस पर यस पर क्लिक कीजिए। जैसे यस पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेगा, सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू एक्सप्लोर और सर्विसेज, तो सर्विसेज पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कौन से सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगे, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, डाउनलोड फॉर्म्स, डाउनलोड ई पैन एंड नियरेस्ट सेंटर, आप नियरेस्ट सेंटर पर क्लिक कीजिए। जैसे नियरेस्ट पर क्लिक करेंगे सर्च योर नियरेस्ट टिन एफसी और पैन सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर पैन सेंटर पर क्लिक कीजिए। पैन सेंटर क्लिक करने के बाद आपको प्लीज एंटर योर 6 डिजिट पिन कोड, दोस्तों जिस जगह पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड डालिए। तो मेरे केस पे यहाँ पर मेरे जगह का पिन कोड डाल रहा हूँ। दोस्तों देखिए पिन कोड डालते ही आपको एक एड्रेस मिलेगा, हियर इज द एड्रेस ऑफ योर नियरेस्ट सेंटर, जो कि कोड है उसमें फैसिलिटेटर है, कॉन्टेक्ट पर्सन है और एड्रेस भी दिया गया, और सबसे बड़ी बात देखिए उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया। दोस्तों आप तुरंत ही उस नंबर पर कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए वहां पर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार पैन लिंकिंग होगा कि नहीं, तो आप उनसे कंफर्म करके प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो सिचुएशंस आ सकता है, जैसे मेरे जगह का पिन कोड डाला तो नियरेस्ट पैन सर्विस सेंटर का एड्रेस दिखाया जाएगा। दोस्तों दूसरा सिचुएशन ये आ सकता है, कोई कोई लोकेशंस पे विलेज एरिया में या फिर रिमोट एरिया में वो पैन सर्विस सेंटर पास में नहीं रहेगा, तो उस समय आपको क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरे जगह का पिन कोड यहाँ पर डालता हूँ, दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या मैसेज है उनकी तरफ से, वी हैव नॉट फाउंड एनी पैन सेंटर्स इन द पिन कोड एंटर बाय यू, हाउएवर बिलो प्रोवाइडेड आर नियरेस्ट पैन सेंटर बेस्ड ऑन द पिन कोड, एंटर फॉर योर कन्वीनियंस। इसका मतलब है मैंने जो अभी पिन कोड डाला है वहां पर कोई नियरेस्ट पैन सर्विस सेंटर नहीं है, इसका मतलब दो ऑप्शन और दिया 1 और 2, एंड लास्ट में लिखा है डू यू विश टू चेंज द पिन कोड यू हैव एंटर्ड, आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए और जो पिन कोड की जगह आपका नियरेस्ट है वो पिन कोड कर यहाँ पर डालिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरा एड्रेस आ गया जो कि आपने चूज किया था,
तो इस तरह आप अपना नियरेस्ट पैन सेंटर जो है वो लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले ध्यान रखिएगा, आप वहां पर जाने से पहले आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और सबसे बड़ी चीज आपको चलन लेके जाना होगा, जो कि आप 1000 रुपीज का पेमेंट किए थे उस चलन को आप लेके जाना होगा, तभी आपका ये काम हो पाएगा। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे चलन को डाउनलोड करते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, जिनको जरूरत है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।